आज की तारीख में ब्लॉग बनाने को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। लोग कहते हैं ब्लॉग बनाओ, लिखना शुरू करो, अपनी लर्निंग्स को जो है डॉक्यूमेंट करो। वर्डप्रेस की सहायता से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड विद ब्लॉगिंग। क्योंकि अगर आप एक अपनी वेबसाइट सेटअप करने की सोचोगे तो आपको वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, आपको होस्ट करनी पड़ेगी। होस्टिंग के बारे में मे बी आपको नहीं मालूम बहुत ज्यादा, लेकिन आज मैं आप लोग को बताऊंगा फास्टेस्ट वे टू होस्ट योर वर्डप्रेस ब्लॉग। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कैसे किया जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बात करते हैं इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ वर्डप्रेस ब्लॉग की। आप लोग एक वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो और क्यों आपको बनाना चाहिए? क्योंकि आप लोग अपनी सारी की सारी प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट करना चाहोगे। मान लो मैंने पाइथन से अपनी कोडिंग स्टार्ट करी तो मैं चाहूंगा कि सारे प्रोजेक्ट्स मैं अपने एक एक ब्लॉग में डाल दूं ताकि फ्यूचर में आकर मैं वापस आकर देख सकूं कि मैंने कौन सी चीज कहां से सीखी थी। कुछ नहीं तो लिंक टू द रिसोर्सेज आप लोग डाल सकते हो, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर सकते हो, कैसे कैसे आपने पाइथन सीखना स्टार्ट किया और अपने ब्लॉग पर वापस आकर डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहेगा। जैसे मान लो जो कोई प्रोजेक्ट अगर मैंने 3 साल पहले किया है तो मुझे ऐसा कई बार फील होता है कि यार मैंने 5 साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था, काश आज की तारीख में मेरे पास उसका कोड होता और उसकी अंडरस्टैंडिंग होती और मैंने जितनी भी चीज़ें वहाँ पर बनाई थी वो काश मेरे पास होती हैं। लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि उस टाइम पर मुझे शायद मालूम नहीं था कि ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कैसे एक वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना है। इस काम को करने के लिए मुझे एक होस्टिंग सर्विस चाहिए होगी और मैं कोई सी होस्टिंग सर्विस यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ लेनोट का। अगर आप लोग $60 के लिए प्राप्त करना चाहते हैं लिनोड से तो आप लोग lenode.com/cwh पर जा सकते हो। मैं अभी अपने लिनोड अकाउंट पर लॉगिन करूंगा और इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करूंगा, लिनोड पर क्लिक करूंगा, मार्केट प्लेस पर क्लिक करूंगा। और सबसे बढ़िया बात मार्केट प्लेस की है कि मुझे एक VPS बनाने की ज़रूरत नहीं, मुझे ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं। कुल मिलाकर लिनोड अकाउंट में लॉगिन करने के बाद अभी तक मैंने 3 क्लिक्स किए हैं। तीसरे क्लिक पर मुझे यहाँ पर मार्केट प्लेस की एक वर्डप्रेस नाम की ऐप दिखेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ वर्डप्रेस नाम की एक ऐप मुझे दिख गई है। मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा, मैं यहाँ पर एडमिन यूज़र नेम डालूंगा, एक एडमिन पासवर्ड में डाल देता हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड कोई सा भी आप पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसी पासवर्ड को कॉपी करूंगा और मैंने यहाँ पर जो है जो पासवर्ड था वो कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। एडवांस ऑप्शन में ये कह रहा है कि भाई आप जो है अपना ब्लॉग का नाम लिखो। मैं हैरीज पर्सनल ब्लॉग यहाँ पर लिख दूंगा, ये मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट का टाइटल है। फिर सूडो यूज़र में मैं कोड विद हैरी लिख देता हूँ और सूडो यूज़र का पासवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हो। बट क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है मैं ये सारी चीज़ें नहीं बनाना चाहूँगा, ठीक है? और ये सब चीज़ें ऑप्शनल है, मैं नीचे आऊँगा सीधे यहाँ पर 22.04 LTS में जाऊँगा और मैं डेडिकेटेड 16 GB बनाऊँगा। बट आप लोग एक हल्की वाली मशीन भी बना सकते हो, आप लोग इसको नैनोड पर भी ट्राई कर सकते हो। लिनोड 2 GB जो कि $10 मंथली है, $5 मंथली पर भी आप बना सकते हो। मैं यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल ताकि ये स्मूथ जाए मैं डेडिकेटेड 16 GB यूज़ करता हूँ। लेबल इसका वर्डप्रेस है, ठीक है। पासवर्ड जो है रूट पासवर्ड मैं सेम दे देता हूँ जो कि मैंने कॉपी कर रखा है अभी अपने क्लिपबोर्ड पर भी। और मैं यहाँ पर क्रिएट लिनोड पर क्लिक करूँगा। अभी कह रहा है भाई रीजन तो सेलेक्ट कर लो, क्रिएट लिनोड पर तो बड़ी जल्दी क्लिक कर रहे हो। मुंबई मैंने चूज़ कर लिया क्योंकि मुंबई पास में है, ठीक है, डेटा आने में आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि मेरे यूज़र्स इंडिया में होने वाले हैं मोस्ट प्रॉब्ली। और क्योंकि अगर मैं पहली बार बना रहा हूँ लिनोड अगर तो मेरा यूज़र जो है वो मैं खुद ही होऊंगा, ठीक है, इफ़ दैट मेक सेंस। क्योंकि आप लोग जब अपने लिए सिर्फ बना रहे हो किसी मशीन को तो आप चाहोगे कि सिर्फ आप उसके अंदर के कंटेंट को एक्सेस करो। तो अब ये प्रोविजन कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पर पहले प्रोविजनिंग क्लिक कराएगा, फिर ये मशीन बूटिंग स्टेट में चली जाएगी और फिर इसके बाद इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाएगा। जब यहाँ पर रनिंग क्लिक करा जाएगा उसके बाद भी आपको इसको यूज़ नहीं करना है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। अब अगर आप लोग एक कस्टम डोमेन यूज़ करना चाहते हो उसके साथ तो आप कहीं से भी एक डोमेन खरीद सकते हो और उसमें एक ए रिकॉर्ड डाल सकते हो, उसको इस IP एड्रेस से पॉइंट कर सकते हो। अब मैंने क्या कह दिया यहाँ पर, आप लोग कहोगे यार क्या क्या बोल दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आया, सब हवा में चला गया। देखो यार बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये IP एड्रेस है, डायरेक्टली भी मैं यूज़ कर सकता हूँ इस IP एड्रेस को, लेकिन शायद आप चाहोगे harryspersonalblog.com करके कोई डोमेन खरीदना, तो कहीं से आप डोमेन खरीद सकते हो, उस डोमेन को इस IP एड्रेस पे पॉइंट करा सकते हो। वो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर पे जब आप कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाओगे ना वो भी बता देगा कैसे पॉइंट कराना है एक IP एड्रेस पर। आप सिंपली उनसे ये कहना कि मुझे एक ए रिकॉर्ड सेट करना है, मुझे इस IP एड्रेस पे अपने इस डोमेन को पॉइंट कराना है, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। वैसे तो आप गूगल पे लिखोगे अगर तो उनके पास गाइड्स होती हैं ऑलमोस्ट सारे प्रोवाइडर्स के पास। आप नेमचीप के पास चले जाओ, गोडैडी के पास चले जाओ, पिक रॉक करके एक, और मतलब जितने भी ये थोड़े बहुत रेप्यूटेड हैं इनसे आप खरीद सकते हो डोमेन, कोई दिक्कत कभी होगी नहीं। अब यहाँ पर देखो लिश कंसोल के बारे में बताता हूँ। जब आपकी मशीन रनिंग स्टेट में चली जाती है ना तब आप लिश कंसोल को खोलना, उससे पहले मत खोलना, नहीं चलेगा। क्योंकि लिश कंसोल आपको ये बताता है कि आपकी मशीन के अंदर क्या क्या किया जा रहा है, ये सब कुछ आपको दिखा रहा है, जैसे कि फिजिकली आपकी मशीन आपके सामने हो कुछ इस तरह से।
अभी देखो ये जितनी भी कमांड्स चला रहा है ये सब आपके सामने आ गए, ये सारी के सारी चीज़ें आपको ये इंस्टॉल कर करके दे रहा है, सारे रूल्स ऐड कर रहा है, ऐप अपडेट चला रहा है, पता नहीं क्या क्या चला रहा है, टाइम लेगा थोड़ा सा, तो मैं वेट करता हूँ इसका और फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा। सो कुछ समय के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट लिख कर आ गया, इसका मतलब कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पर आईपी एड्रेस को कॉपी करें, नई टैब खोलें और अपना आईपी एड्रेस जो है उसको यहाँ पर डाल दें, एंटर मार दें और आपका जो पर्सनल ब्लॉग है वो खुल जाएगा। बट ये पर्सनल ब्लॉग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बेसिक लग रहा है। अब मैं आप लोग को एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि आर्टिकल्स आप इसमें भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करो, सबसे पहले wp-admin यहाँ पर आ जाओ इस तरह से, और आप क्या करो, मैंने कोड विद हैरी लिखा था यूज़र नेम, और जो मेरा पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट। अरे आप लोग अपना पासवर्ड बनाना और वो कॉपी पेस्ट करना, मेरा मत देखो, ठीक है। अब आप देखो मैं आ चुका हूँ इसके, मैं इसको सेव कर देता हूँ पासवर्ड को, अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो। और अब मैं क्या करूँगा, अपीयरेंस में जाऊँगा, बहुत क्विकली आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग इसके थीम को चेंज कर सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं ब्लॉग सर्च करता हूँ, तो ब्लॉग से रिलेटेड यूकी ब्लॉगर एक रैंडम सा थीम है, मैंने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। वैसे आप सोच समझ के अच्छा वाला थीम इंस्टॉल करना, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में, और उसके बाद आप लोग जो है अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस चेंज करने के लिए आप लोग ये सब कर सकते हो। वैसे तो सब कुछ ठीक है, कोई मुझे उतना ज़्यादा वो नहीं चाहिए, एक्टिवेट पर क्लिक कर देना इंस्टॉल करने के बाद, और अलाउ एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, और ये कह रहा है कि भाई अपने यूकी टू योर मेल बॉक्स ये एक्टिवेट कर दो, ठीक है, मैं ही देखता हूँ अपीयरेंस चेंज हुई कि नहीं हुई। हाँ भाई सब अपीयरेंस चेंज हो गई, तो ये आपका हैरीज का पर्सनल ब्लॉग यहाँ पर बन चुका है। अब हैरी को कोई भी अगर यहाँ पर डालना है कुछ भी पोस्ट, तो वो कैसे डाल सकता है, वो यहाँ पर आके डाल सकता है। मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यार, मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, पोस्ट पर जाना है, पोस्ट पर जाने के बाद आप एक नया पोस्ट ऐड न्यू पर क्लिक कर सकते हो। वैसे मान लो मुझे जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल लिखना है अपने इस पर, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी, ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, और एक काम करता हूँ कि कुछ भी रैंडम सा मैं एक काम करता हूँ, अपना ही ट्यूटोरियल डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं इसी को डाल देता हूँ यहाँ पर, मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं इसको करने वाला हूँ पेस्ट यहाँ पर, और ये जो टाइटल है मैं ऊपर डालना चाहूँगा, ठीक है, और या फिर एक काम करता हूँ हेडिंग यहीं पर डाल देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ इसको, ठीक है, पब्लिश करके व्यू पोस्ट पर क्लिक करूँगा, तो मैं इस पोस्ट पर पहुँच जाऊँगा। ये देखो मेरा पोस्ट जो है यहाँ पर आ चुका है, तो आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से ये जो एडिटर का काम करता है। आप देखो यहाँ पर इसने सारी हेडिंग्स वगैरह डाल दी, इसकी इमेज भी मैं डाल सकता हूँ बाय द वे, अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो यहीं से एडिट कर सकता हूँ, एडिट पोस्ट पर क्लिक करके, और एक इमेज भी डाल सकता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ कहाँ से डलती है इमेज, मुझे याद वाद नहीं है कि फीचर्ड इमेज कैसे डालते हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करो इसको जैसे आप लोग और चीज़ें यूज़ करते हो। यहाँ पर मैं बस कोई फाइल ढूंढ रहा हूँ, कोई PNG एग, ये कौन सी PNG, चलो मान लो ये मैं यूज़ करना चाहता हूँ, वैसे आप इतनी घटिया इमेज यूज़ नहीं करना चाहोगे, सेट फीचर्ड इमेज, ठीक है, अपडेट, ठीक है, और अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रीलोड करेंगे और देखेंगे क्या फीचर्ड इमेज हमारी आ गई है। ओ यस आ गई है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डाल सकते हो, देखो मेरा ब्लॉग बन चुका है अभी यहाँ पर। तो ये था फास्टेस्ट वे टू क्रिएट अ वर्डप्रेस ब्लॉग। नाउ इज दिस द बेस्ट वे, इज दिस दी बेस्ट वेबसाइट आउट देयर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये फास्टेस्ट तरीका है बनाने का एक ब्लॉग। अब आपको यहाँ सैम्पल पेज दिख रहा होगा, अगर आप इसको हटाना चाहते हो फॉर सम रीज़न, आप यहाँ पर एडमिन में जा सकते हो डैशबोर्ड पर क्लिक करके, और यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करके इस पेज को, सैम्पल पेज को ट्रैश कर सकते हो, डिलीट हो गया सैम्पल पेज आपका, ठीक है। तो मैं इसको बंद करके अभी रीलोड करूँगा, अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आऊँगा ना, तो आप लोग को दिखेगा वो जो सैम्पल पेज था वो चला गया था यहाँ पर जो लिखा हुआ था। अगर आप इस हेलो वर्ल्ड वाले पोस्ट को भी डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आ जाओ पोस्ट पर, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आकर ऑल पोस्ट पर क्लिक करो, और ऑल पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आप इसको जो है ट्रैश पर क्लिक कर सकते हो, तो ये भी डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर, मैं रीलोड करूँगा तो ये चला जाएगा, ठीक है। अब आप इसके कलर वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हो कस्टमाइज़ पर क्लिक करके, इसके साथ प्ले अराउंड करो, लेकिन कहने की बात ये है कि अगर आप लोग इसके साथ सिर्फ इतना भी कर लोगे ना, तो भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट अब कम से कम डाल सकते हो, और आपको इस पे ही फोकस करना चाहिए सबसे पहले। अब अगर आप लोग अर्निंग वगैरह भी करना चाह रहे हो ना इससे, अगर आप लोग चाह रहे हो थोड़े बहुत पैसे कमाना ट्रैफिक से, तब भी आप चाहोगे कि आप इस तरह से ब्लॉग पोस्ट लो, क्योंकि कॉन्टेंट जो होता है वो रैंक करता है, आपके वर्डप्रेस वेबसाइट का थीम रैंक नहीं करता है, डिज़ाइन रैंक नहीं करता है, यूज़र्स को जो एक्सपीरियंस है वो इस पेज पर चाहिए, सिर्फ इस वाले पेज पर, इस पेज पर बस, क्योंकि वो गूगल से सीधे इस पेज पर लैंड करेंगे, तो उनका ये वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं आपका होम
पिच कैसा है, आपकी ये सब चीज़ें कैसी हैं, ये कलर कौन सा है, लोगों को मतलब नहीं अगर उन्हें कंटेंट मिल रहा है तो आप कंटेंट पर फोकस करके 100-200 ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हैं और वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो ये सब चीज़ें आप खुद कर लोगे। अगर नहीं कर पाए ना, नहीं करना चाहते भी हो ना, आप तो किसी को हायर करके भी कर सकते हो ये सब चीज़ें, अगर आपके पास एक बार ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो गया तो। अब देखो यहाँ पर हेडर की सेटिंग्स हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पर, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, साइट आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो, एक टैगलाइन ऐड कर सकते हो, प्रोग्रामिंग ब्लॉग्स एवरी वीक, मान लो मैं कुछ इस तरह से डालना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखो टैगलाइन है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, साइट का आइकन चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज की जा सकती हैं, ठीक है। ग्लोबल सेटिंग्स, कलर सेटिंग्स, कलर प्रीसेट्स चेंज कर सकते हो, अलग अलग तरह की चीज़ें आप कर सकते हो यार, ठीक है। तो इसके साथ आप खेलो, ये जो है वर्डप्रेस चेंज करता रहता है अपनी इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो, हर चीज़ के तरीके होते हैं। एक चीज़ और जो आपको देखनी चाहिए वो है एलिमेंटर प्लगइन्स में जाकर आप एलिमेंटर इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कस्टमाइज़ करना तो आप एलिमेंटर को इंस्टॉल करके एलिमेंटर का ट्यूटोरियल भी मेरा देख सकते हो। बट मैं क्योंकि बात कर रहा था फास्टेस्ट वे, तो भाई ये है फास्टेस्ट वे एक ब्लॉग को क्रिएट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आईपी एड्रेस है, ये आपको एक एड्रेस भी मिल गया। अगर आप डोमेन नहीं भी खरीदना चाहते हो ना, आप कहते हो कि भाई मैं $5 के नैनोड या $10 के $20 वाले लिनोड पे रखना चाहता हूँ चीज़ें, तो आप वो भी कर सकते हो, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।